नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के 10 सबसे अमीर जिलों के बारे में। भारत में अगर हम अमीर राज्यों की बात करेंगे तो उसमें बिहार का जिक्र बहुत ही नीचे आएगा, लेकिन इस राज्य के लोग अपनी कार्य कुशलता के बदौलत देश की औद्योगिक संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। कहते हैं अगर बिहार के लोग उद्योग धंधों में काम करना बंद कर दें तो कई उद्योग धंधे पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर एक श्रमिक के रूप में काज करते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर बिहार का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अमीर है, यानी कि किस जिले के लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा लोग धनी हैं। अगर हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो बिहार के जिलों में आर्थिक असमानता साफ तौर पर देखने को मिलती है। साल 2019-2020 के आंकड़ों को देखें तो प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद पटना का सबसे अधिक रहा, जहां की 1.31 है, यानी कि 1,31,000 प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। जबकि सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद जो है 0.19 लाख रुपया शिवहर का है, यानी कि मात्र 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो है शिवहर का दिख रहा है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं टॉप 10 अमीर जिला के बारे में। 10वें नंबर पर है वैशाली जिला। बिहार में वैशाली जिला को लिस्ट में 10वें नंबर पर है। वैशाली जिले का प्रति व्यक्ति आय 30,900 रुपया प्रति व्यक्ति है। वहीं इस जिले की आबादी 34,95,021 है। यह जिला कृषि और व्यापार पर आधारित है। इस जिले के हाजीपुर में उद्योग विकसित हो रहा है। राजधानी पटना से कनेक्टिंग होने के कारण आने वाले दिनों में इस जिला में उम्मीद की जा रही है कि हाजीपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होगा। 9वें नंबर पर है भोजपुर। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है भोजपुर जिले का। इस जिले का प्रति व्यक्ति आय 31.6 है, यानी कि 31,600 रुपया प्रति व्यक्ति यहां की आय है। इस जिले का पूरा क्षेत्रफल 2,395 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले की अगर हम पूरी आबादी देखें तो 27,20,155 है। यह जिला मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ पर चावल, गेहूँ और मक्का का उत्पादन होता है। 8वें नंबर पर आता है गया। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में 8वें नंबर पर जिसका नाम है वो है गया जिला। गया का प्रति व्यक्ति आय 31,900 रुपया है, जबकि इस जिले का क्षेत्रफल 4,976 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले की आबादी 43,91,418 है। आपको बता दें कि यह जिला जो है पर्यटन के लिहाज से काफ़ी समृद्ध है। महात्मा बुद्ध को मानने वाले अनुयायी यहां पहुंचते हैं, साथ ही साथ फाल्गुन नदी पर पिंडदान करने वाले अपने पूर्वजों को लिए यह नदी पर पिंडदान करके उसे शुभ मानते हैं। साथ ही साथ इस जिले में आय का एक स्रोत खेती भी है। 7वें नंबर पर आता है औरंगाबाद। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में 7वें नंबर पर यह जिला आता है। इस जिले का प्रति व्यक्ति आय 32,000 रुपया है। इस जिले का क्षेत्रफल 33.5 किलोमीटर है, जबकि इस जिले की जनसंख्या 25,40,073 है। इस जिले में आय का स्रोत खेती है, साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ लोग आते हैं। औरंगाबाद में लोग मंदिर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कहते हैं यह मगध साम्राज्य में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हिस्सा हुआ करता था। आज बिहार के लिए यह गौरव की बात है। 6वें नंबर पर आता है मुजफ्फरपुर। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में अगला नाम है मुजफ्फरपुर का। इस जिले का क्षेत्रफल 3,122.56 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले की कुल आबादी 48,01,062 है। इस जिले का प्रति व्यक्ति आय 34,800 है। यह जिला कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ की लीची विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की लीची को विश्व में भी भेजा जाता है और लोग खूब पसंद करते हैं। 5वें नंबर पर आता है रोहतास। अमीर जिलों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। रोहतास जिले का क्षेत्रफल जो है वो है 3,847.82 वर्ग मीटर। इस जिले की कुल जनसंख्या 29,62,593 है। यह जिला खेती, उद्योग और पर्यटन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम जाने कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो यहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो है 35,800 रुपया प्रति व्यक्ति है। वहीं अगर हम यहाँ के पर्यटन के रूप में देखें तो यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए बिहार समेत देश के दूसरे राज्यों से लोग आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उद्योग के रूप में सीमेंट की फैक्ट्री है। यही वो कारण है कि यह राज्य यानी कि रोहतास जो है
एक तरह से कह लें कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में जो है यहाँ बढ़ोतरी हुई है, खास करके वाटरफॉल और पर्यटन की दृष्टि से जो है रोहतास में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। चौथे नंबर पर आता है भागलपुर। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में अगला नाम है भागलपुर का। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2,569 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इस जिले की आबादी 30,37,766 है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय 41,8 हज़ार प्रति व्यक्ति है। यह जिला मुख्यतः खेती और रेशमी कपड़ों के लिए जाना जाता है। व्यापार के नज़रिए से यहां कपड़े का उत्पादन होता है, साथ ही साथ यह बिहार का सबसे पुराना जिला भी है। आप यहां भागलपुरी रेशमी कपड़ों को खरीदारी करने के लिए आ सकते हैं या फिर आप मंगवा भी सकते हैं। नंबर तीन पे आता है मुंगेर। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में अगला नाम है मुंगेर का। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,419.7 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले की जनसंख्या 13,67,765 है। इस जिले का प्रति व्यक्ति आय 44,3 हज़ार है। यह जिला अपने पर्यटन स्थलों के लिए और उद्योग के लिए जाना जाता है। इस जिले में देश की कंपनियां निवेश करती हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि यहां पे निवेश कर रही है और वहां का औद्योगिक स्थिति जो है बढ़ गया है, वहां पे बाज़ार में वृद्धि देखी गई है। यही वो कारण है कि वो आज बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नंबर दो पे है बेगूसराय। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में अगला नाम बेगूसराय का है। इस जिले की कुल क्षेत्रफल 1,918 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इस जिले की कुल जनसंख्या 29,70,541 है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय 51,4 हज़ार रुपया है। यह जिला अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां व्यापार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। यही वो कारण है कि यह जिला प्रदेश की अमीर लिस्टों में दूसरे स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर आता है राजधानी पटना। अमीर जिलों की लिस्ट में यह पहले स्थान पर है। इस जिले की कुल क्षेत्रफल 3,202 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या 58,38,564 है। यह जिला राज्य की राजधानी के कारण अमीर जिलों में शामिल है। यहां का प्रति व्यक्ति आय 1,31 हज़ार यानी कि 1,31,000 है। बता दें कि यह जिला उद्योग के साथ साथ अपने सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन के लिए जाना जाता है। राज्य के लगभग सभी विभागों का मुख्यालय इसी जिले में स्थित है। ऐसे में प्रदेश का सबसे अमीर जिला होने का गौरव राजधानी पटना को प्राप्त है। तो आप जाने बिहार के टॉप 10 ऐसे अमीर जिलों के बारे में जो कि अपनी औद्योगिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए जाना जाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।